हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे निफ्टी के गिरने का, लेकिन आज थोड़ी सी तो निफ्टी गिरी, मतलब कि गिरी तो 4 पॉइंट ही है, लेकिन अब यहां से शायद गिरावट का माहौल हो सकता है। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी, और परसों का दिन लोगों ने काफ़ी एक्सेप्ट किया था कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होगी और सीधा ऊपर की तरफ जाएगी, 9,500 के आसपास जाएगी, या कोई लोग बोल रहे थे 9,700 या 10,000। लेकिन हम लोग ने ऑप्शन चेन डाटा में देखा था वहाँ पर कि 9,500 पे बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस बना हुआ था ऑप्शन चेन डाटा में। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑप्शन को राइट कर रहे थे 9,500 की कॉल को। तो मैंने कल वाली वीडियो में आप लोग को क्लियर बताया था कि 9,500 का यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा था और 9,000 का जो हमारा है वो सपोर्ट दिख रहा था, जो कि ऑप्शन चेन डाटा बोल रहा था। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो मुझे लगता है कि ये आने वाली जो एक्सपायरी है वो 9,000 और 9,500 के बीच में ही क्लोजिंग देने वाली है, जैसा कि ऑप्शन चेन डाटा कल बोल रहा था। अभी हम लोग आज की भी ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे और FII की एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद हम लोग चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कल हमारी निफ्टी कहां तक मूव हो सकती है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो यहां पर देखिए, NSE इंडिया की वेबसाइट मैंने खोल लिया है और निफ्टी ने आज हमारी क्लोजिंग दिया है 9,261 का, जो कि 4 पॉइंट गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर एडवांस शेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एडवांस शेयर 14 से और डिक्लाइन शेयर जो हैं वो 36 है, अनचेंज कोई भी शेयर नहीं है। उसके बाद टॉप गेनर और टॉप लूजर की लिस्ट आई है यहाँ पर हमारे सामने। हम टॉप गेनर में देखते हैं तो टाटा मोटर का जो शेयर है वो 4% बढ़त के साथ बंद हुआ है। सन फार्मा का जो स्टॉक है वो लगभग 3.88% बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया है। HDFC बैंक जो इसका रिजल्ट भी कल आया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, उसकी वजह से इसमें काफ़ी उछाल हमें देखने को मिला, जो कि 3% बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया है। NTPC जो है वो भी 3% बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया है। उसके बाद है हमारा इन्फोसिस, जो कि इसने भी 3% बढ़त के साथ हमारे यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। उसके नीचे है टॉप लूजर की लिस्ट, तो हिंडालको ने हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर टॉप लूजर की लिस्ट में आ रहा है, जो कि 5% गिरावट के साथ बंद हुआ है। उसके बाद JSW स्टील है, वो भी 5% गिरावट के साथ बंद हुआ है। उसके बाद एक्सिस बैंक है, जो कि 453 पर क्लोजिंग दिया है, 5% गिरावट के साथ बंद हुआ है, और इसको मैंने डिलीवरी में आज के दिन माल उठाया है एक्सिस बैंक का। और उसके बाद है इंफ्राटेल, वो भी 5% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। उसके बाद ग्रासिम है, जो कि 4% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। तो यह रहा हमारा टॉप गेनर और टॉप लूजर की लिस्ट। और उसके बाद हम लोग चल के देख लेते हैं FII और DII की एक्टिविटी की क्या है यहाँ पर। परसों हम लोगों ने देखा था कि DII लोग माल खरीद रहे हैं, लेकिन FII जो है वो माल बेच रहे थे। अब आज की हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं कि आज क्या चल रहा है यहाँ पर। उस दिन में मैंने आप लोग को बताया था कि DII जब तक माल नहीं खरीदना स्टार्ट करेंगे तब तक हमारे निफ्टी को ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन आज हम लोग अगर देखते हैं कि 20 अप्रैल का FII की एक्टिविटी, तो उन लोगों ने लगभग बाई वैल्यू जो उनका है वो 5,817 करोड़ का उन लोगों ने माल खरीदा है, लेकिन जो सेल वैल्यू है उनका वो 6,083 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। तो नेट वैल्यू में अगर हम लोग देखते हैं तो 265 करोड़ की छोटी सी अमाउंट है जहाँ पर उन लोगों ने सेल किया है। ये अमाउंट तो हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन उनके लिए बहुत छोटी है। कहाँ पर आप लोग देखते हैं कि 1,000 करोड़ से ज़्यादा का उन लोग का नेट वैल्यू में सेल और बाई होता है, लेकिन आज की नेट वैल्यू जो है उनकी बहुत छोटी सी है, 265 करोड़ का है। और यहाँ पर DII की अगर हम लोग एक्टिविटी देखते हैं तो उन लोगों ने बाई किया है 3,448 करोड़ का माल बाई किया हुआ है, और सेल किया है यहाँ पर 4,237 करोड़ का। तो नेट वैल्यू में हम लोग अगर देखते हैं तो 788 करोड़ का माल DII ने भी बेचा है। तो यहाँ पर FII भी बेच रहे हैं माल और DII भी बेच रहे हैं माल। तो हम इसको कह सकते हैं कि कल की मार्केट हमारी थोड़ा सा निगेटिव ओपन हो सकती है, या गैप अप ओपन होने के बाद भी निगेटिव आ सकती है, लेकिन मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग चल के ऑप्शन चेन डाटा पर भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा पर कल का हमारा हाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल कर आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा खोल लिया है और यहाँ पर हम लोग 23 अप्रैल की एक्सपायर होने वाली ऑप्शन चेन की बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है ऑप्शन चेन डाटा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे नीचे 10,000 के लेवल पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि 14,16,000 का है। मतलब ये कि 14,16,000 लोगों को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 10,000 तक नहीं आ सकती 23 अप्रैल के पहले, ये जो गुरुवार को एक्सपायरी होने वाली है आज से 2 दिन बाद हमारा। तो यहाँ पर 14 लाख लोगों को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 10,000 तक नहीं आ सकती, उसके नीचे ही क्लोजिंग होने वाली है। उसके बाद अगर दूसरा लेवल हम लोग देखते हैं तो निफ्टी का जो 9,500 का लेवल आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है सबसे ज़्यादा, जो कि 11,88,000 का। मतलब 11,88,000 लोगों को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 9,500 के नीचे ही क्लोज होने वाली है,
एक्सपायरी तक। तो यहाँ पर 9,500 की कॉल को सेल कर रखा है 11 लाख लोगों ने, क्योंकि उन लोग को लगता है कि 9,500 तक निफ्टी नहीं आ सकती, इसलिए वो लोग 9,500 की कॉल को सेल कर दिए हैं। और 9,500 की कॉल अभी चल रही है 49 रुपीज पे। तो यहाँ पर लगभग आपको 50 पॉइंट मिल सकता है जिन्होंने 9,500 की कॉल को सेल किया होगा। अगर निफ्टी वहां तक नहीं जाएगी तो 9,500 की जो कॉल है वो जीरो हो जाएगी और वहां पर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तीसरा लेवल जो हमारा निकल कर आ रहा है वो 9,700 पर है, जो कि 9,44,000 ओपन इंटरेस्ट वहां पर खड़ा है। मतलब ये कि 9,44,000 लोगों को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 9,700 के नीचे ही क्लोजिंग देगी। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 10,000 के लेवल पे है। उसके बाद जो दूसरा लेवल हमारा निकल कर आ रहा है वो 9,500 का लेवल है, और तीसरा लेवल जो है वो हमारा 9,44,000 का है, जो कि 9,700 के लेवल पे है। तो ये तीन लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, 9,500, 9,700 और 10,000 का लेवल। तो अगर निफ्टी 9,500 को ब्रेक करती है तो 9,700 सीधा जाएगी, और 9,700 को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो 10,000 सीधा जाएगी, बीच में वो रुक नहीं सकती है। ये हो गया कॉल साइड का हमारा। और दोस्तों ये ऑप्शन चेन पे मैं वीडियो बनाता हूँ तो कैसा लगता है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और इस पर डिटेल में अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहा। दोस्तों पुट साइड की अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा में, तो 8,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि 10 लाख का है। 10 लाख लोगों को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 8,500 तक नहीं आ सकती है, ये इसके ऊपर ही रहेगी। उसके बाद दूसरा लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि 9,000 पे है। आप लोगों ने कल वाली वीडियो में भी देखा कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से 9,000 का सपोर्ट नीचे की तरफ, 9,500 का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 9,000 के लेवल पे लगभग 13 लाख लोग खड़े हैं ऑप्शन राइट करके। मतलब इन लोग को ऐसा लगता है कि निफ्टी 9,000 तक नहीं आ सकती, इसलिए जो उनका 9,000 का स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है प्रीमियम, वो 65 रुपीज़ चल रहा है। अगर निफ्टी 9,000 तक नहीं आती है तो गुरुवार के दिन ये इनका 65 रुपीज़ जो है वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा है 13 लाख के आसपास। उसके बाद दूसरा नंबर का जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो 8,500 के आसपास, और जो तीसरा लेवल खड़ा है हमारा वो 8,800 के लेवल के आसपास है, जो कि 8,23,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तीन लेवल नीचे की तरफ ही हमारा निकल कर आ रहा है। पहला लेवल है 9,000 का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन को राइट करके बैठे हुए हैं 9,000 के लेवल पे, कि 9,000 तक नहीं आ सकती तो हमारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लेवल है 8,500 का, और तीसरा लेवल है 8,800 का। मतलब 9,000 को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो 8,800 सीधा जाएगी, 8,800 को भी अगर ब्रेक करती है तो 8,500 सीधा जाएगी। तो आप लोग अनुमान इतना लगा सकते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है नज़दीक वाला, तो हमारे सामने निकल कर आ रहा है 9,000 का लेवल नीचे की तरफ और 9,500 का लेवल ऊपर की तरफ। मतलब ये जो कल वाली हमारी सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन आज भी है। मतलब स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर घटी बढ़ी नहीं है। तो हम एक ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं ऑप्शन चेन की डाटा के साथ कि 9,000 और 9,500 के बीच की हमारी जो एक्सपायरी होने वाली है वो उसी के अंदर ही होगी। तो आप चाहें तो 9,600 की कॉल और 8,900 के पुट को आप डिलीवरी में सेल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 9,000 और 9,500 के लेवल पे। तो आप एक पॉइंट और नीचे आ जाइए, तो आप चाहिए तो 8,900 के पुट को सेल कर दीजिए और ऊपर की तरफ 9,600 की कॉल को सेल कर दीजिए डिलीवरी में। तो अगर मार्केट यहाँ तक नहीं जाती है तो आपके दोनों प्रीमियम जीरो हो जाएंगे और पूरा पैसा आपके जेब में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन चेन आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आ गया तो कंटिन्यू अगर देखते हैं एक हफ्ते दो हफ्ते तक, तो जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक दो हफ्ते तक आप कंटिन्यू अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ऑप्शन चेन डाटा को कैसे रीड करते हैं और इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि मार्केट हमारी कल के दिन कहाँ मूव कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कल बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने वाली है मार्केट में। तो चलिए हम लोग चार्ट पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि चार्ट पर निफ्टी क्या कहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जीरोधा प्लेटफॉर्म पे मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, और निफ्टी का चार्ट पे मैंने चार मूविंग एवरेज लगाए हैं, जो कि 20 डे का है, 50 डे का, 100 डे का और 200 डे का। तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले दो दिन से क्लोजिंग इसकी हो रही है जो 20 डे का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर, और 20 डे का जो मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो 9,044 के आसपास आ रहा है। तो आप लोगों ने ऑप्शन चेन डाटा में भी देखा कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन को राइट किए हैं 9,000 की पुट को लोग, तो 9,000 के लेवल तक आने का चांस कम है, ऐसा लोग कहते हैं जो लोग ने ऑप्शन को राइट करके रखा है 9,000 की पुट को। तो यहाँ पर अगर दो दिन कंटिन्यू क्लोज कर रही है मार्केट 9,000 के ऊपर ही, और आप लोग देख सकते हैं कि 9,500 को भी ब्रेक नहीं कर पा रही है। कल हाई भी इसने बनाया था, आज के दिन जो हाई था इसका वो 9,390 था। 9,390 के लेवल से लोगों ने काफ़ी सेल मारा निफ्टी को, और निफ्टी ने आकर क्लोजिंग दिया 9,262 पे। मतलब कि ये लोग उलझाएंगे 9,500 और 9,000 के बीच के लेवल को।
तो आप लोगों के लिए अच्छा चांस है 9600 की कॉल को सेल करने का और नीचे की तरफ 8 या 900 की पुट को सेल करने का। ठीक है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में ही एक्सपायरी होने वाली है इस वीक की। तो आप लोग देखिए कि मुझे नहीं लगता है कि 2 दिन ज़्यादा मूवमेंट होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोलूँ वो बिल्कुल सही हो। जो ऑप्शन चेन डाटा कह रहा है, जो चार्ट कह रहा है, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। जो वहाँ पर लाखों लोगों ने माल सेल करके रखा है, हम उसके भी आप पे बोल सकते हैं कि 9500 और 9000 के बीच में क्लोजिंग हो सकती है। और ये जो 2-3 दिन एक्सपायरी को बचा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं पाएगी, मात्र 100-200 पॉइंट के रेंज के बीच में निफ्टी घूमने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे अंडर में, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता हूं, जहां पर मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल और इंटरडे की कॉल बिल्कुल फ्री में देता हूं, जिसके कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।